अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो वेलकम है आपको एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों गुज़रिश्ता रोज दूसरे एक रोज़ा मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 12 रन से शिकस्त दे दी, जबकि मैच में इंग्लिश बॉलर लियम प्लंकेट ने 9 ओवर्स में 64 रन देकर दो खिलाड़ी को आउट किया। दोस्तों पाकिस्तानी बल्लेबाजों की उम्दा बैटिंग के बावजूद कौमी टीम इंग्लैंड टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में फतेह हासिल न कर सकी और इसी मैच में 12 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा। दोस्तों इसी मैच के दौरान की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि लेम प्लंकेट बॉलिंग के दौरान गेंद से छेड़छाड़ कर रहे हैं। दोस्तों प्लंकेट ने इनिंग का 39वां ओवर करते हुए इसमें सिर्फ 8 रन देने के साथ साथ 5 अशरफ की विकेट भी हासिल की थी। दोस्तों वीडियो में ऐसा महसूस होता है कि प्लंकेट ने रिवर्स स्विंग करवाने के लिए गेंद के साथ छेड़छाड़ की, और अगर इन पर इल्जाम दुरुस्त साबित हो गए तो आलमी कप से काबिल इन पर पाबंदी आयद की जा सकती है, जो इंग्लैंड के लिए बड़ा धचका होगा। दोस्तों यहाँ ये वजाहत भी जरूरी है कि ICC कानून के मुताबिक जानबूझकर गेंद को खराब करने को बॉल टेम्परिंग समझा जाता है। दोस्तों इंग्लिश बॉलर की दो नंबरी की वजह से पाकिस्तान टीम जीता हुआ मैच हार गई, लेकिन देखना ये होगा कि ICC इस मामले पर क्या एक्शन लेता है। दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए दूसरे एक रोजा मैच के दौरान पाकिस्तान टीम जीता हुआ मैच आखिरी ओवर में क्यों हार गई, इस हवाले से पहले तो पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन पर सवाल निशान उठ रहे थे, लेकिन अब ये इंग्लैंड के खिलाड़ी लेम प्लंकेट की ऐसी वीडियो सामने आ गई है जिससे सारा मामला वाजी हो गया है। दोस्तों लेम प्लंकेट के सामने आने वाली वीडियो में उन्हें गेंद को नाखून के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों लेम प्लंकेट की गेंद के साथ छेड़छाड़ की वजह से वो इंतहाई गेंद खराब हो गई थी, जिसकी वजह से आखिरी ओवर में रन नहीं बन पाए। दोस्तों लेम प्लंकेट ने 39वें ओवर करवाया तो इन्हें सिर्फ 8 रन बने, हालांकि इससे पहले पाकिस्तान टीम इंतहाई जाराना अंदाज से खेल रही थी। दोस्तों इस हवाले से पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट भी आगाह है, तमाम ऑफिशियल की जानेब से अब तक वाकये की रिपोर्ट नहीं किया गया। दोस्तों कवानीन के मुताबिक मैच ऑफिशियल 48 घंटों में मामले को रिपोर्ट कर सकती है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मामले को 96 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर सकती है। दोस्तों जराए का कहना है कि ICC के CEO को भी 7 दिन के अंदर आज खुद मामले को रिपोर्ट करने का इख्तियार है। दोस्तों दूसरी जानिब ICC ने इंग्लिश बॉलर की वीडियो पर रद्दमल में कहा है कि मैच ऑफिशियल मुतमिन है गेंद से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, हर ओवर में गेंद की कंडीशन चेक की गई है, ताहम बॉल टेम्परिंग के कोई भी स्वाद नहीं मिले हैं। दोस्तों याद रहे कि दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 374 रन का अदब दिया था, टाइम कौमी टीम मुकर्रा 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 371 रन बना सकी। दोस्तों याद रहे कि गुज़रिश्ता बरस जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच में बॉल टेम्परिंग पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान स्टेन स्मिथ, नायब कप्तान डेविड वार्नर और कैमरन बेनक्राफ्ट पर पाबंदी आयद की थी। दोस्तों याद रहे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा वनडे मैच 15 मई 2019 को ब्रिस्टल में खेला जाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।